नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ फ्रूट केक। तो यहाँ पे मैं एक कप फ्रूट टूटी फूटी ली हूँ मैं, और यहाँ पे एक चम्मच यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जब मैं इसे बैटर में डालूँ तो बैटर में बिल्कुल वो अंदर बैठ ना जाए, पूरे सभी पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स रहे वो। तो इसे हम इस तरह से मिक्स करके कुछ छोड़ देंगे। और कढ़ाई को मैं पहले से गरम कर ली हूँ, तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में आपको बेक करके दिखाऊंगी इसे। यहाँ पे मैं इसमें नमक डाल ली हूँ और एक इसमें प्लेट को इस तरह से डाल दूँगी, और इसे अच्छे से हम यहाँ पे गरम कर लेंगे कढ़ाई को। और ऊपर से मैं एक और भी थाली से अच्छे से इस तरह से ढक कर छोड़ दूँगी मैं यहाँ पर, और कढ़ाई में ही बेक करना सिखाऊंगी मैं यहाँ पर। और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम में रख के उसे हीट करें। और यहाँ पे मैं केक टिन का इस्तेमाल की हूँ, जिसे यहाँ पे मैं ग्रीस कर लूँगी। बटर से मैं यहाँ पे ग्रीस कर रही हूँ। आप अगर रिफाइंड में बनाएंगे तो रिफाइंड से भी इसे कर सकते हैं। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक चम्मच मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे भी डस्ट करके छोड़ देंगे ताकि जो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से निकल जाए, केक जो है हमारा अच्छे से निकल जाएगा वो। और यहाँ पे मैं आधा कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रेश दही ली हूँ बिल्कुल यहाँ पर। और एक कप यहाँ पे मैं मेल्ट किया हुआ बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ, तो ये हैंड बीटर का इस्तेमाल की हूँ मैं यहाँ पर। तो अच्छे से यहाँ पे जब मिक्स हो जाए तो, और बाकी सब चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर डाल लेंगे अपने बैटर में। यहाँ पे मैं पिसा हुआ चीनी ली हूँ आधा कप, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, मैं इसे घर में ही पीस ली हूँ। और एक टीस्पून मैं यहाँ पे वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्टेनर ली हूँ, जिसे मैं बैटर सभी को छान लूँगी। तो यहाँ पे एक कप मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ और एक टीस्पून बेकिंग सोडा, एक टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वन टीस्पून मैं यहाँ पे कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और सभी को इस तरह से स्टैंड में हम इस तरह से छान लेंगे, और अच्छे से जो मिश्रण है उसमें मैं मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक टीस्पून मैं यहाँ पे नींबू का जूस को डाली हूँ, और अच्छे से सभी को मिक्स करके हम एक बैटर इसमें तैयार कर लेंगे। तो एक ही इसी तरह से आप बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इस तरह से एक राउंड राउंड एक तरफ से ही इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इसमें कोई लम्स ना बने और जो एयर होता है वो अंदर घुसे नहीं, नहीं तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे आप बिल्कुल बीटर से अच्छे से इसमें मिक्स कर लें हैंड बीटर से। तो ये काफ़ी हमारा बैटर जो है वो काफ़ी थिक दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैं यहाँ पे आधा कप और भी दही ऐड करूँगी। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरह से हम आधा कप मैं यहाँ पे दही मिक्स की हूँ, तो इसे अच्छे से हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रहेगी इसकी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं टूटी फूटी जो मैं यहाँ पे रखी थी उसे मैं यहाँ पे डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और भी आप इसमें ड्राई फ्रूट जैसे मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी आप।
आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम सभी का इस्तेमाल की हूँ, और इसमें मैं डाल के अच्छे से इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो आज की रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, और इसे मैं केक टिन में इस तरह से डाल के आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इस तरह से इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से जो बैटर है वो अच्छे से अंदर चला जाए। और इसमें मैं गार्निशिंग के लिए अपना ड्राई फ्रूट इसमें मैं डाल दी हूँ, और अब हम इसे बेक कर लेंगे। तो इस तरह से डाल के मैं यहाँ पे 30 मिनट के लिए मैं इसे बेक करूँगी, और इसे मैं ढक दूँगी। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे या फिर एकदम फ्लेम को सीम करके यहाँ पे रख के, और बीच में एक बार आप इसे ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे मेरा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हुआ है, काफ़ी अच्छे आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल केक जो है बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसमें एक नाइफ डाल के आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल इसमें चिपका हुआ नहीं है, तो यानी कि जो केक है हमारा काफ़ी अच्छा बेक हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। और मैं इसे कढ़ाई से निकाल ली हूँ, तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप इसे निकाल के ठंडा होने दें, और एक कपड़े से ढक दें, और बिल्कुल कोई जल्दबाजी ना करें केक को निकालने में, नहीं तो केक बिल्कुल टूट जाता है। तो इसलिए आप आराम से इसे ठंडा होने दें तब केक को निकालें। और फ्रूट केक हमारा देखिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरह से एक प्लेट को मैं इस तरह से करके इस तरह से पलट दी हूँ, और देखिए कितना अच्छा केक जो है बिल्कुल निकल गया है केक टिन से, और केक बिल्कुल तैयार है क्रिसमस के लिए। तो जैसे कि क्रिसमस की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है जोरों शोर से, तो सभी घर में केक तैयार किया जा रहा है अपने बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग सबको तैयार करते हैं, और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। तब तक मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी आपको के लिए लाती रहूँगी। और आप देख सकते हैं ये केक कितना अच्छा बिल्कुल लविंग और काफ़ी स्पंजिंग बना है, तो ये देखिए, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी क्रिसमस।